नमस्कार। और अभी अपने पास 6 बंधुगण हैं और इनको सभी को पेट की सीवियर प्रॉब्लम है और सभी को नली की प्रॉब्लम है, साथ में नाभि की प्रॉब्लम है। हम जो आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं नले और नाभि और कौड़ी और नले नाभि के अलावा IBS के जो नाभि वाला व्यक्ति होता है उसको कैसे IBS होती है और उसको कैसे नाभि की प्रॉब्लम होती है और उसको कैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो कैसे एंजाइटी में चला जाता है, कैसे स्ट्रेस में चला जाता है और कैसे दुनिया में भागता रहता है, अपने पैसे वेस्ट करता रहता है। कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है और वो रिक्शा चला के पैसे इकट्ठे करके दुनिया में वेस्ट करता है, जगह जगह वेस्ट करता है। वैसे हम हर तरीके से कॉपरेट करते हैं, यानी वैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ हम हर तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं, पैसे से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, खाने से लेके, रहने से लेके, सारी व्यवस्था हम करके देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति 3,000 रुपये जो कमाता है और हम जो लेते हैं वो हमें नहीं दे सकता, तो हम हर तरीके से कॉपरेट करते हैं, हर व्यक्ति को कॉपरेट करते हैं। कोई ये ना सोचे कि उसके पास पैसे नहीं है और हमारे पास नहीं आए और हम उसको ट्रीटमेंट्स नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। तो सबसे पहले हमारे पास आपका क्या नाम है? शाहरुख मलिक जी। शाहरुख मलिक, इनको सीवियर नले और नाभि की प्रॉब्लम है, सीवियर, बहुत ही डेंजरस। इन्होंने पिछले कई महीनों से, मतलब मानो 6 से 7-8 महीने से इन्होंने खाना भरपूर नहीं खाया और उनके शरीर में इतनी वीकनेस है कि ये चल नहीं सकते और उनको BP लो हो जाता है। एक दिन तो हमारे सेंटर में भी BP लो हो गया था, हम बहुत स्ट्रेस में चले गए थे, मैंने यार ये तो सही नहीं है, व्यक्ति बहुत डेंजरस लेवल पे है। तो शाहरुख जी आपको बताएंगे इनको कैसे प्रॉब्लम हुई और अभी कैसे हैं। पेट भी पकड़ा रहता है और दर्द रहता था, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। भूख कितने दिनों से आपने खाना नहीं खाया है? कम से कम 8-9 साल हो गए, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, खाने को मन ही नहीं करता बिल्कुल बिल्कुल भी, बाहर को आता है। पेट फूलता है आपको? पेट फूलता है। आप ट्राई करो, वो ऊपर उठाओ। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, जिस व्यक्ति को नले की प्रॉब्लम रहती है, सीवियर नले की और IBS की, जिस व्यक्ति को IBS और नले की प्रॉब्लम रहती है, पेट ऐसे फुलाइए, पूरा पेट फुलाइए, इसको फुलाइए तेज, अब अंदर कीजिए, आप ऊपर करो ना, इसको अंदर करो, बस पेट फुलाओ, आप अभी फुलाओ ना, तुम आप लोग देखो इसमें से आप फुलाओ ना बाहर की तरफ, नहीं फूलना इनमें से, आप किसी का भी देखेंगे तो पेट बाहर की तरफ नहीं फूल रहा, ये सबसे बड़े लक्षण है नली के। जिस व्यक्ति का पेट बहुत टाइट हो जाता है, हाँ तो फुलाओ, इनको कहने का मतलब है कि इनको नली की प्रॉब्लम बहुत कम है, इनको नाभि की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको किसकी प्रॉब्लम है? ठीक हो गए अभी? कहाँ ठीक हो गए? उधर बताइएगा। तो इनको सीवियर पेट की प्रॉब्लम थी, तो ये बता रहे हैं शाहरुख जी, और पेट बिल्कुल नहीं फूल रहा, और हमारे यहाँ कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं यार? कम से कम 7 सीटिंग हो गई। 7 सीटिंग में आप क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी? नहीं, थोड़ा सा आराम है, मामूली सा आराम है, क्योंकि इनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी ये ठीक नहीं हो सकते, टाइम लगेगा और हम इनको टाइम पूरा दे के चल रहे हैं। पहले दिन हमने बता दिया था भैया आपकी मर्ज ऐसी है और ये सीवियर नले से पीड़ित है, आप अभी देख रहे हैं। हम आपको भी एक पॉइंट्स बताएंगे, 2 पॉइंट्स बताएंगे नले और नाभि के और IBS के, उस हर व्यक्ति को यह ट्रीटमेंट्स लेना ही चाहिए, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम थी सर? आप अभी कैसे हैं? ये है हमारे साथ कृष्ण प्रसाद जी, बहुत बेहतरीन जबरदस्त व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है और बहुत जबरदस्त भरी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, हजारों लाखों ऐसे ग्रुप हैं जिसमें व्यक्ति सिर्फ डिप्रेशन में जाता है, उन ग्रुपों में जाता है। मैं खुद ऐसे कई ग्रुपों में लोग हमें शामिल कर लेते हैं, फिर हम निकल जाते हैं, जिसमें मेडिसिन की भरमार रहती है, जिसमें नेगेटिविटी की भरमार रहती है, जिसमें बेवकूफपंथी की भरमार रहती है। प्लीज़, आपको प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन आप नेगेटिव ना रहें और ना किसी को रहने दें, और जो नेगेटिव बातें करें उससे आप दूरी बना लें और उसको मना कर दें कि सर आपको हमारे से बात करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति ना आपको ठीक होने देगा, ना आप ठीक होंगे, ना आप सामने वाले को ठीक होने देंगे, क्योंकि वो नेगेटिव व्यक्ति नेगेटिविटी ही फैलाएगा, ना वो आपको काम करने देगा, ना वो खुद करेगा। तो नेगेटिव व्यक्ति से सावधान, ऐसे ग्रुपों से सावधान, ऐसे फेसबुक ग्रुपों से, व्हाट्सएप ग्रुपों से सावधान जिसमें नेगेटिविटी फैली हुई हो और जिसमें गंदगी फैलती हो, क्योंकि वह आपको ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर लाखों तरह की चीज़ें आएंगी और वह चीज़ हजारों तरह की चीज़ आप अपने शरीर पर प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ से दिक्कत होगी, ये निश्चित है। मैं बताता हूँ, हर बीमारी का इलाज है, और आप अगर 100% चाहते हैं कि हाँ हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को, तो आप कर सकते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, आप समझ रहे ना। दुनिया में अगर किसी भी चीज़ का इलाज है तो आप स्ट्रेचिंग करो, आसन करो, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लो, डाइटिंग करो, और इसके अलावा आप क्या करोगे, आप काउंसलिंग कराओ। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, मेडिसिन से बचो, मेडिसिन पेट की किसी भी बीमारी का इलाज नहीं, आप समझे। तो हमारे पास कृष्ण प्रसाद जी हैं। कृष्ण प्रसाद जी कैसी हैं आप अभी? कितनी ठीक है, और कितनी सेटिंग हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवीं सेटिंग है। कैसे हैं? 50% अभी ठीक हूँ, जो मुझे डकारे आती क्या क्या कराते हैं यहाँ पर, मतलब अच्छा जो कराते हो हम क्या क्या आपको कराते हैं, आपने क्या क्या लिया हमारे यहाँ, आपने क्या फील किया, क्या हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, क्या डाइटिंग बताते हैं, क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, हम क्या क्या कराते हैं आपको? ये आप काफ़ी अच्छा भी कराते हो, और घर के लिए जाने के लिए बताते हो, ये योग करना, ऐसे करना, इतना पानी पीना, इतना खाना खाना। पहले मैं जब खाना खा लेता था मुझे बेचैनी सी होती थी, ऐसे लग रहा है डकारे आ रही हैं और पूरा शरीर ढीला, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे बेचैनी नहीं, बेचैनी खत्म हो चुकी है आपकी? बेचैनी खत्म। कैसे खत्म हुई आपकी बेचैनी? बेचैनी जब से यहाँ आया। हमने कुछ काउंसलिंग करी आपकी, हमारे यहाँ का स्टाफ और हमारे यहाँ का व्यवहार कैसा है, हम कैसे व्यक्ति हैं? बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो गांव चला गया था, ये परेशानी ऐसे के मामले में आपको कैसा लगता है, हम कोऑपरेट करते नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे के लिए कोई मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर पैसा अगर नहीं दिया तो अगले दिन आके पीछे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप और हमारे पास इनसे सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं, देखो उनके मुंह पर हर वक्त खुशी रहेगी, टेंशन ही कोई नहीं है, दुनिया गुआ में जाए अपने को लेन देन नहीं, बहुत जबरदस्त व्यक्ति, एक नंबर के, और इसीलिए वो 100% ठीक हो गए बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो ठीक ही थे, उनको जबरदस्त प्रॉब्लम थी लेकिन वो यहाँ से ठीक थे, तो इसीलिए फर्स्ट क्लास आप अपना शेयर कीजिए। और इनका नाम है कृष्ण मोहन यादव, कृष्ण मोहन यादव, ये गोरखपुर से हमारे पास आए हुए बहुत बेहतरीन व्यक्ति, हमें इनके बारे में बताते हुए रोंगटे खड़े पड़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्ति, जबरदस्त। कैसे हैं आप? जो से बोलेगा तेज। आप कैसे हैं, क्या ट्रीटमेंट सुनिएगा, कितने दिन आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आज 12वीं सेटिंग है। आज 12वीं सेटिंग है। 12 सेटिंग में आपको कैसा लग रहा है कि आप 12 सेटिंग में 100% मैं ठीक हो गया हूं? जोर से बोलिए। 12वीं सेटिंग में मतलब सर ऐसा कि मैं 8वीं सेटिंग से ही मैं ठीक हो गया था। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को जलन होता था, जलन होती थी, गैस बनता था, गैस बनती थी, और लैट्रिन कैसी थी? क्लियर नहीं होती थी, लैट्रिन होती थी, कब्ज रहती थी, और थकान रहती थी? नहीं थकान होता नहीं, समझ नहीं। और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं रहता था, मतलब दिमाग हमेशा पेट में लगा रहता था, आगे का कोई बात मतलब सोचता ही नहीं था, पूरा इधर ही रहता था, पूरे दिमाग में लगा रहता था, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, हमें कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं, अपने आप में हम परेशान और अपने आप में भी, अपने पेट में भी। तो प्लीज कोई भी ऐसी मेडिसिन ना खाए, कोई भी ऐसी खतरनाक काम ना करें, कोई ऐसा मैदा ना खाए जिसको जिससे आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपकी डाइटिंग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। IBS कोई बीमारी नहीं होती, IBS 100% क्योरेबल है, 100% ट्रीटेबल है, नली नाभि बॉडी की प्रॉब्लम, IBS की प्रॉब्लम, पेट की सभी प्रॉब्लम 100% ट्रीटेबल है। अभी अभी आप कैसे फील करते हैं? अभी अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत बढ़िया, ये 100% ठीक है अभी। और ये 2, 3 से 4, 5 इनकी जो सेटिंग बची है वो आप एक्स्ट्रा लेंगे जी। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रजापति। विष्णु प्रजापति कहाँ से हैं आप? गोरखपुर कुशीनगर से। आप गोरखपुर से हैं? हाँ।
क्या प्रॉब्लम है आपको? हमको एक प्रॉब्लम है, यहाँ दीवार बन गया था। यहाँ पर जब से आया हूँ तब से खाना भी खा रहा हूँ। दीवार कैसे, आपको कैसे महसूस हुआ कि मुझे दीवार बन गई है? यहाँ टच कर रहा था तो लग रहा था प्राण निकल जाएगा, यहाँ पर गेना नियर पत्थर हो गया था। आप बेचैनी कैसे खत्म हुई आपकी बेचैनी? बेचैनी जब से यहाँ आया। हमने कुछ काउंसलिंग करी आपकी? हमारे यहाँ का स्टाफ और हमारे यहाँ का व्यवहार कैसा है, हम कैसे व्यक्ति हैं? मैं तो गांव चला गया था, ये परेशानी ऐसे के मामले में आपको कैसा लगता है? हमको अपडेट करते नहीं करते पैसे के लिए, कोई मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर पैसा अगर नहीं दिए तो अगले दिन आके पीछे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप और हमारे पास इनसे सबसे बेहतरीन व्यक्ति है, देखो उनके मुंह पर हर वक्त खुशी रहेगी, टेंशन ही कोई नहीं है। दुनिया दुआ में जाए आप देखो, लेन देन नहीं, बहुत जबरदस्त व्यक्ति एक नंबर के, और इसीलिए वो 100% ठीक हो गए बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो ठीक ही थे, उनको जबरदस्त प्रॉब्लम थी लेकिन वो यहाँ से ठीक थे, तो इसीलिए फर्स्ट क्लास। आप अपना शेयर कीजिए। और इनका नाम है कृष्ण मोहन यादव, कृष्ण मोहन यादव, ये गोरखपुर से हमारे पास आए हुए, बहुत बेहतरीन व्यक्ति, हमें इनके बारे में बताते हुए रोंगटे खड़े पड़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्ति, जबरदस्त। कैसे जो से बोलेगा तेज, आप कैसे हैं, क्या कितने दिन आपको हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
बारहवीं सेटिंग में, मतलब सर ऐसा कि मैं आठवीं सेटिंग से ही मैं ठीक हो गया था। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को जलन होता था, जलन होती थी, गैस बनता था, गैस बनती थी, और लैट्रिन कैसी थी? क्लियर नहीं होती थी, लैट्रिन नहीं होती थी, कब्ज रहती थी। हाँ। और थकान रहती थी? हाँ, नहीं थकान होता नहीं था। और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं रहता था, मतलब दिमाग हमेशा पेट पर लगा रहता था। आगे का कोई बात मतलब सोचता ही नहीं था, पूरा इधर ही रहता था, दिमाग इसी पे लगा रहता था। हाँ। कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, हमें कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं, अपने आप में हम परेशान और अपने आप में भी थी। हाँ। अपने पेट में भी, अपने भी। तो प्लीज कोई भी ऐसी मेडिसिन ना खाएं, कोई भी ऐसी खतरनाक काम ना करें, कोई ऐसा मैदा ना खाएं जिसको, जिससे आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपकी डाइटिंग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। IBS कोई बीमारी नहीं होती, IBS 100% क्योरेबल है, 100% ट्रीटेबल है। लनी नले नाभि बॉडी की प्रॉब्लम, IBS की प्रॉब्लम, पेट की सभी प्रॉब्लम 100% ट्रीटेबल है। अभी अभी आप कैसे फील करते हैं? अभी अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत बढ़िया। ये 100% ठीक है अभी। और ये दो तीन से चार पाँच इनकी जो सेटिंग बची है वो आप एक्स्ट्रा लेंगे। जी क्या नाम है आपका? विष्णु प्रजापति। विष्णु प्रजापति, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर कुशीनगर से। आप गोरखपुर से हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? हमको ये प्रॉब्लम है, यहाँ दीवार बन गया था। यहाँ पर जब से आया हूँ तब से खाना भी खा रहा हूँ। दीवार कैसी, आपको कैसे महसूस हुआ कि मुझे दीवार बन गई पेट के अंदर? यहाँ टच कर रहा था तो लग रहा था प्राण निकल जाएगा, यहाँ पर गेरा नियर पत्थर हो गया था। आप अभी देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चा अभी मात्र कितने साल की हो आप? 18 साल का ये बच्चा, और ये भूखे पेट काम करता है। हमें बड़ा दुख हुआ जब इसको देखा तो हमारा दिमाग हिल गया, और हम सिर्फ पेट के ऊपर वाले पार्ट में हमने देखा तो एकदम अंदर दीवार बन गई। बच्चे को खाना बिल्कुल नहीं पचता। ये देखिए नाभि से ऊपर ये वाला पार्ट देना, हमने ऐसे जैसे करे ना, ये देखिए सिर्फ ये टच करने में इतना बहुत दर्द था। और अब ट्रीटमेंट से बाद में काफी ठीक है, क्योंकि हमने इनको बहुत स्ट्रेचिंग दी है, स्ट्रेचिंग दी है, कैस्ट्रॉल से सिकाई करवाई है, डेली दो दो बार इनको किसी को फूल बनवाए, हमने ट्रीटमेंट्स दिया है, एक्सरसाइज करी, आसन कराए, डाइटिंग बताई, सारी काउंसलिंग करी, तब जाके ये आप रिलैक्स और कहते हैं कि सर मैं बहुत ठीक हूँ। और ये बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत नेगेटिव थे। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा ठीक होके ही जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा फंडामेंट हो रहा है कि आदमी व्यक्ति यहाँ पर आएगा 100% में 100% ठीक होके जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है, भगवान है, क्योंकि हमारे लिए जिंदगी बचाते हैं भगवान से बढ़ के हैं। आपको कोई प्रॉब्लम या पैसे की या किसी स्टाफ से किसी चीज़ की दिक्कत है? नहीं, किसी चीज़ का हमारे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आए 5-6 दिन हुआ, एकदम हम खाना भी खा रहे हैं, प्यास भी लग रहा है, अब अच्छे से रह रहा हूँ। पहले एकदम मेरे मुंह सूखा रहता था, प्यास नहीं लगता था, भूख नहीं लगता था, साल भर से अपने पेट पे हम दबते रह गए, परेशानियों में जलते रह गए, यहाँ पर आ गए तो हम ठीक हो गए हैं, 40% ठीक हो गए हैं इतने दिन में। आपका भी कौन से सीटिंग है आज? 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं सीटिंग है। बहुत बढ़िया व्यक्ति है।
छोटा बच्चा है, इसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है और उसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी करना है इसलिए। सरदार, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, आपको जो प्रॉब्लम है वो सेफ प्रॉब्लम है, और आज तीसरा दिन है, आज तो क्या फील कर रहे हैं आप तीसरे दिन में? आज तीसरे दिन में काफ़ी आराम। आपको प्रॉब्लम कैसे हुई थी? पहले तो पेट नहीं फूलेगा, आप देखेंगे पेट पेट फुलाइया। क्या नाम है आपका? विष्णु। पेट फुलाओ। ये पेट नहीं, नली वाले व्यक्ति का पेट नहीं फूल सकता, किसी भी हाल में पेट नहीं फूल सकता। इस व्यक्ति का पेट अंदर बाहर रहेगा, उसको नली की प्रॉब्लम रह नहीं सकती है। आप ध्यान दीजिए इसको, जैसे टच करोगे या जैसे टच करते आपको अलग से दीवार महसूस हो जाएगी, तो अलग दीवार हो जाएगी। ऐसी सेम इनका हाल है, ये देखिएगा करिए, और देखो साथ का पेंट कहा जा रहा है, ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये सब इस पेट का ही कमाल है। देखो, नहीं तो ये पेंट यहाँ बंधना चाहिए, इधर आप देख रहे हैं, ये पेंट इधर ही बंधना है, तो कुछ रहा ही नहीं पेंट का, शरीर क्या करना है, देखो उतरेगा ही, देखो शरीर ही नहीं बचा है। आप देखेंगे कि इनका पेट फुलाएगा, संदीप जी वैसे पेट फुलाइए, जोर से फुलाओ ना, आप देख इधर है फुलाओ, नहीं फूल सकते क्योंकि ये पेट, ये देखिए हम ऐसे कर रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए टक, ये टक दर्द है। क्या आपको बीमारी कैसे हुई थी, क्या करते थे आप? मैं दुकान करता हूँ, दुकान में ज़्यादा काम करता, भूखे पेट काम करते हैं, भूखे पेट काम नहीं करना किसी भी हालत में। और ऐसा भी नहीं हो कि आज अभी 5 किलो खाया आपने और 5 किलो खाने के बाद में 50-50 किलो का सामान भी खाने लगे, तो ऐसा ही मत करना, तभी बोलो भूख हो जाएगी। खाना खाने के बाद तो वैसे जरूरी है, भूखे पेट काम नहीं करना। और अभी आप क्या फील कर रहे हैं? अभी काफी आराम है, अभी 3 दिन हुए ज्यादा। केचू के फूल बांध रहे हैं आप? केचू के फूल, आज से केचू के फूल बांध देंगे आप। और कैस्ट्रोल से सिकाई कर रहे हैं? वो भी करेंगे। और खाने में डाइटिंग क्या क्या बताइए आपको? जी सरकार, आपका क्या नाम है? शंकर राम। बहुत बढ़िया, ये मध्य प्रदेश भोपाल से आए हमारे पास, और ये भोपाल में काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी मानिए, और ये भोपाल से आए जॉब करते हैं, मात्र 27 साल उम्र है इनकी, 28। और वो सेम प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, नले है, नाभि है, कब्ज है, पूरा पेट इनका एकदम खराब है, थकान रहती है, सांस फूलती है, सारी समस्याएं हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं, आज कौन सा दिन है? 1, 2, 3, 4, 5 छठवां, छठवें दिन में आपको क्या महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा रात भी नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको प्रॉब्लम कैसे हुई थी? ये सर, मैं पढ़ाई के टाइम पे गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब भूखे चले जाते थे क्लास, 12-1 बजे आते थे, बिस्किट खा के बस मतलब ले जाते थे, 12-1 बजे आते खाना खाते, तो उस टाइम से आप ही भूखे पेट रहे हैं? हाँ। और पढ़ते रहे भूखे पेट? पैसे की प्रॉब्लम भाई, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको फाइनेंशियल किसी चीज़? नहीं तो बताइए हमें। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप दबाव नहीं है कि आप आराम से 1-2 दिन बाद भी दे सकते हो। और ऐसा तो नहीं है कि हमने भाई आज ही पैसे दो और पूरे दो, कॉपरेट किया जाता है, हम हर तरह से कॉपरेट करते हैं, हम किसी भी बच्चे को हम समझते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ देते हैं, कोई भी छोटा व्यक्ति हमारे यहाँ से जाएंगे, ये तय है ट्रीटमेंट कितना। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए हम आपको बार बार बताते हैं कि केसु के फूल जरूर बांधें रात को, और वो नली वाली एक्सरसाइज डेली अपने घर में आप जरूर करें, जो हम हर व्यक्ति को बताते हैं, जैसे हम बताते हैं लेकिन आप लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये नली वाली जो हम एक्सरसाइज बताते हैं, ये नली वाली पीला छोड़ दीजिए, ये वाली, ये ऐसे 6-6 सेकंड इसको ऐसे ब्रश करना है, उसके बाद में 6 सेकंड इसको ब्रश करना है, ये वाला ऐसे 3 बार करना है। अब ये 1 सेट हो गया, फिर 2 सेट हो गए, फिर ऐसे 3 सेट करने हैं, दिन में 7-8 बार आप ये करेंगे, खड़े हो जाओ, ये वाली आप एक्सरसाइज करते रहिए ऊपर देखो। और इसके अलावा आप केसु के फूल पेट में जरूर बांधिएगा, केसु के फूल रात को, और केसु के फूल बांधने से पहले कैस्ट्रोल की सिकाई जरूर करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आंखें बंद करके तुरंत अपने पास आ जाएंगे, कहीं भी नहीं रुकेंगे। दुनिया के अंदर मेडिसिन नहीं खाएंगे, स्टूडेंट नहीं खाएंगे, जिम जाते हैं तो भी एक बार हमसे सलाह लेंगे कि जिम में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केस हमारे पास जिम वाले भी आते हैं जो 1-1 क्विंटल 50-50 किलो वजन उठाते हैं, जिनके पेट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी अपनी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी अच्छी व्यवस्था बनाएंगे
कि आप जिंदगी भर खुश रहें। नहीं, अगर आप खुश नहीं रहेंगे और आप ठीक नहीं रहेंगे, आपकी स्थिति बिगड़ गई, तो ध्यान रखिएगा आपकी पूरी धन संपदा, आपका शरीर लेके डूब जाएगा और आप ठीक भी नहीं होंगे और आपकी जो सब चीज़ें हैं वो खराब होंगी। नमस्कार।